Assalamu alaikum, my YouTube family, and welcome back to my YouTube channel, which is Foodtuber Saman. I hope आप सब ठीक होंगे और मज़े में होंगे. Welcome to another vlog. और आज के vlog में food review दूंगी आपको restaurants का और एक recipe भी share करूंगी. Vlog को start करते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. और यहाँ बज रहे थे 11. Friday का दिन था, सुबह के 11 बज रहे थे और हम जा रहे थे नाश्ते के लिए. रेस्टोरेंट जो है वो शारजा में है, नेशनल पेंट वाली साइड पे, और बहुत पुराना रेस्टोरेंट है जिसकी दो ब्रांचेस हैं और उसका नाम है कसरत सियालकोट स्वीट्स. यहाँ से हम हलवा पूरी का नाश्ता करने आए हैं आज. हमने इनकी हलवा पूरी पहले भी टेस्ट की हुई है, जो कि विच इज़ वेरी चीप एंड वेरी रीज़नेबल. हमने एक ही सेट ऑर्डर किया है जो कि है चने, आलू भाजी, चिकन अचार एंड हलवा, और साथ में 3 पूरी ऑर्डर की है. पहले इनकी प्लेटिंग काफ़ी अच्छी होती थी, अब क्योंकि डिस्पोजेबल में सर्व करने की वजह से थोड़ा सा मैसी लग रहा है, बट द टेस्ट इज़ सो गुड. प्राइजेस जो हैं वो बहुत ही रीज़नेबल हैं और फूड भी बहुत अच्छा है इनका. तो हम करते हैं खाने को इंजॉय. इस शॉप में और भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लाइक चना चाट, दही पूरी, दही बड़ा और गोलगप्पे. बहुत मज़े के होते हैं इनके सारी चीज़ें, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा जो लोग शारजा में रहते हैं. नाश्ता हमारा हो चुका हुआ है और अब मैं आपको दूंगी एक और रिव्यू और एक और रेस्टोरेंट का, जो कि है गलीटोज़. और आज मैं आपको रिव्यू दूंगी इस रेस्टोरेंट का भी कि हम क्या ऑर्डर कर रहे हैं और उसका टेस्ट कैसा है. मेन्यू को देखने के बाद हमने ऑर्डर किया था हाफ़ चिकन. दूसरी चीज़ जो ऑर्डर की थी वो है चिकन एस्पेटाडा, और इनके साथ में साइड डिशेज़ भी मिलती हैं. ये सर्व करते हैं सॉसेस के साथ. जैसे कि आप देख सकते हैं टेबल पे बहुत सारी सॉसेस ऑलरेडी पड़ी हुई हैं. खाना जो है वो आ चुका हुआ है. इसमें साइड डिशेस में है सैलेड, पेरी पेरी फ्राइज, मैश पोटैटोस और बटर राइस. टेस्ट जो है वो काफ़ी अच्छा था, साइड डिशेस सारी बहुत अच्छी थी और चिकन का टेस्ट बहुत अच्छा था, बट एस्पेटाडा जो था वो थोड़ा ड्राई था. खाना हम खा चुके हुए हैं और अब इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी एक जूस की रेसिपी, अनार और बीटरूट का जो जूस होगा, विच इज़ वेरी सिंपल एंड ईजी रेसिपी एंड प्लस हेल्दी बहुत है. यहाँ पर लिए हैं मैंने 2 अनार और साथ में लिया है बीटरूट, जिसको काट लिया है छोटे पीसेस में. बीटरूट के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसको हमें डेली लाइफ में यूज़ करना चाहिए. और साथ में हम लेंगे काला नमक, 1 टीस्पून काला नमक लिया है. आप चाहें तो इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं, बट आई थिंक शुगर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. साथ में लेंगे पानी, पानी जो होगा वो 1 ग्लास जाएगा इसमें. इसको बनाना स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. सबसे पहले अनार डाल देंगे इसमें. देन बीटरूट ऐड कर देंगे, काला नमक और पानी ऐड कर देंगे. अभी फ़िलहाल इसमें 1/2 ग्लास ऐड करेंगे पानी का. सब चीज़ें ऐड करने के बाद इसको ग्राइंड कर लेंगे अच्छे से. यहाँ पर पानी की और ज़रूरत पड़ेगी तो इसमें 1/2 ग्लास और ऐड करेंगे. पानी ऐड करने के बाद दोबारा से ग्राइंड कर लेंगे और लास्टली इसमें आइस ऐड करेंगे. आइस जो है एटलीस्ट 1 बाउल होनी चाहिए. जूस जो है वो अच्छे से ग्राइंड हुआ हो तो हमें स्ट्रेन करने में आसानी होगी. यहाँ पर जूस को आप स्ट्रेन करेंगे. पोमीग्रेनेट के कुछ फ़ायदे बताती हूँ आपको, जो कि इम्प्रूव हार्ट हेल्थ है, फाइट अगेंस्ट कैंसर है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है, मेंटेन योर ब्लड शुगर लेवल एंड बूस्ट योर इम्यूनिटी. बीटरूट भी जो है वो कैंसर के अगेंस्ट फाइट करता है और ब्लड प्रेशर को ठीक रखता है. हमारी आइज़ के लिए बहुत अच्छा है, लिवर के लिए बहुत अच्छा है. जूस को अच्छे से स्ट्रेन करने के बाद अब इसको मिक्स कर लेंगे दोबारा से. सर्व करते वक्त भी इसमें आइस ऐड कर देंगे और इट्स अप टू यू, आप चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं. जूस को हम सर्व करेंगे और फ़ायदे भी मैं आपको बता चुकी हूँ, और ये बहुत ही मज़े का बनता है ये जूस, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा. रात के खाने में बन रहा था पिज्ज़ा, और जिसकी रेसिपी मैं पहले अपलोड कर चुकी हुई हूँ, मैं लिंक शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में. यहाँ पर मैं आपको थोड़े से टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी पिज़्ज़ा बनाने के.
कैसे होममेड पिज़्ज़ा जो है बहुत अच्छा बन सकता है, जो ब्रेड है उसको एटलीस्ट 3 से 4 घंटे पहले गूंद के रख लें। इस तरह करने से जो ब्रेड है वो काफ़ी अच्छी और सॉफ्ट होगी और राइस भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। यहाँ पे मैं होममेड सॉस यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैं अगली रेसिपी में इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी आपसे। सॉस को स्प्रेड करने के बाद इसमें मोज़रेला चीज़ लगा देंगे और वेजेस आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। होममेड पिज़्ज़ा का एक यही फ़ायदा होता है कि आप वेजेस और चीज़, चिकन को अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं चिकन यूज़ कर रही हूँ जिसको मैंने स्मोक दिया था, और स्मोक देने के बाद इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा आता है। आप लोग भी इस तरह चिकन को ट्राई कीजिएगा पिज़्ज़ा में। और यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हेलोपिनोस और ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स। ऑलिव्स को भी डालने के 2 तरीके होते हैं, एक आप चीज़ के नीचे, जैसे कि आप ऊपर चीज़ लगा रहे हैं, चीज़ के ऊपर भी आप ऑलिव्स को डाल सकते हैं। इससे क्या होगा, ऑलिव जो है वो थोड़े से ड्राई ड्राई हो जाएंगे, और अगर आप नीचे डालेंगे तो ऑलिव जो है वो जूसी ही रहेंगे। लास्टली इसमें स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा ओरिगैनो और रेड चिली फ्लेक्स। पिज़्ज़ा को हमेशा प्री हीटेड ओवन में ही बेक करेंगे 170 डिग्री पे। पिज़्ज़ा को मैं 30 मिनट के लिए बेक करूँगी, और आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।